नमस्कार साथियों साथियों, आज बात करूंगा मैं आरएम स्टोर, आरएम स्टोर का प्रोसीडर्स कैसे बनाते हैं और आरएम स्टोर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या फॉर्मेट होते हैं, आज हम उसकी चर्चा पूरी करेंगे। साथियों मैं पहले दिखाऊँ आपको फॉर्मेट, समझ करेंगे एक्सेल में देखेंगे, जो फॉर्मेट दिख रहे हैं आपको ये एक्सेल में हम 15 फॉर्मेट देखेंगे, एक एक फॉर्मेट समझेंगे, ठीक है। और ये मेरा मैं दिखा रहा हूँ स्टोर मैनेजमेंट का, जो मैनेजमेंट है उसको कैसे हम करते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कोई मटेरियल आता है, रिसीव होता है या स्टोरेज में इशूज होता है, वो हमारा क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है, स्कोप क्या होता है, ऑल रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, मशीन एंड इक्विपमेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, ये सब क्या होते हैं, हमारे स्कोप के अंतर्गत आते हैं। प्रोसेस ऑनर, इसका प्रोसेस ऑनर रहेगा, इंचार्ज, जो स्टोर का इंचार्ज है वो हमारा प्रोसेस ऑनर रहेंगे, इस प्रकार से हम अपना बना लेते हैं। अच्छा, प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या रहेंगे इसके, नो इन्वेंट्री गैप हो सकता है, और भी आपके मटेरियल इशू करने का टाइम होता है, कोई मटेरियल इशू कितने टाइम में किया, वो आपके परफॉर्मेंस हो सकते हैं, इंडिकेटर हो सकते हैं। अच्छा, ये क्लोज में दिया गया है, IATF के क्लोज में दिया गया, तो 8.5.4 ये आपका IATF का क्लोज है। अब इसमें इनपुट और आउटपुट जो आप दिखा सकते हो, इनपुट क्या है आपका, PO आता है, परचेज ऑर्डर, ठीक है, तो फ्रॉम परचेज फॉर्म होता है वो आता है आपका, इनकमिंग चालान आते हैं, ये आपका इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, मटेरियल रिसीव्ड या इंस्पेक्टेड, ठीक है, इस प्रकार से आप इनपुट आउटपुट बना सकते हो। इसी प्रकार से आप आगे बनाना है आपको, रेफरेंस किसका चाहिए आपको, मटेरियल्स, इनवाइस, चालान्स, ये आपके सब, तो एज रिवाइज्ड, ठीक है, इस प्रकार से। और आपके जो हो सकते हैं रिकॉर्ड्स, क्या क्या रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, स्टोर रजिस्टर हो सकता है, ये आपके दिखे हुए हैं, ये आपके रिकॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है, और हम डिटेल में समझेंगे। अब हम देखते हैं प्रोसीडर कैसे बनाते हैं, कौन क्या एक्टिविटी रहेगी आपकी, जो एक्टिविटी होती है कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी किसकी, तो ये सारी आपको इस पर डिफाइन करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से बनाते हैं पूरे स्टोर की मैनेजमेंट की, अपनी कंपनी में कुछ और एक्टिविटी हो सकती हैं, ये कैसे, इस प्रकार से आपको पूरा बना देना है, ठीक है, कौन इशू करेगा, मटेरियल इशू का क्या रहेगा, फिर एक्टिविटीज, ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी पूरा डालेंगे अपने, करेंगे एक्टिविटी कैसे करेंगे, स्टोर स्लिप द्वारा कैसे करेंगे, वो सब एक्टिविटीज में डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है ये पूरा, उसके बाद होता है इसकी फुल फॉर्म दी हुई है कुछ, ये आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं कि ये फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे PDIR, तो PDIR क्या होता है, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो मटेरियल पहले आया है वो पहले इशू होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो PO परचेज ऑर्डर होता है, ये PO की फुल फॉर्म होती है परचेज ऑर्डर। और कहीं कहीं लीफो होता है, लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जैसे कोई प्रोडक्ट की सेल्स देखी जाए या किसी की कीमत ज़्यादा है प्रोडक्ट की, या कोई आप ऐसा प्रोडक्ट है कि जल्दी ख़राब होने वाला है और वो लेट आया, तो उसको हम पहले निकाल देते हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहीं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग किसकी डिमांड्स होती है, कौन सा फीफो मेंटेन करते हैं, कहीं लीफो मेंटेन करते हैं, एज पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स। तो ये इस प्रकार से आप प्रोसीडर बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसीडर था, इसको आप पढ़ के एक बार समझ के बना सकते हैं। अगर इसमें से और भी डिटेल में समझना है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर्मेट्स। तो फॉर्मेट्स मैंने ये बताए थे 15 फॉर्मेट्स हैं। तो पहला फॉर्मेट क्या है, इशू स्लिप। हम अगर इशू स्लिप का फॉर्मेट देखते हैं इस प्रकार से, ये आपको दिख रहा होगा इशू स्लिप का, हम इस प्रकार से इशू स्लिप का फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा, आइटम कोड रहेगा, इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, रिसीव क्वांटिटी, इशू क्वांटिटी या सिग्नेचर, या अगर आपका यूनिट आती है तो केजी में है, मीटर में है, नग में है, लीटर में है, किस में है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो मटेरियल इशू होता है, जैसे डीजल है, लीटर में इशू होगा, फैब्रिक कपड़ा है, मीटर में इशू होगा, कोई बोल्ट नट बोल्ट या फिर कोई पार्ट्स हैं वो किस में होंगे, नग में होंगे। अगर कोई आपका जैसे कोई केमिकल वजन आता है, कोई कपड़ा आता है, तो तौल में देखते हैं, तो किस में करेंगे, वजन में करेंगे, तो कहीं केजी, कहीं मीटर, कहीं नग्स, कहीं लीटर, तो ये सब चीज़ आपकी यूनिट होती हैं, तो इसमें आप इशू कर सकते हैं। तो ये आपसे और भी कुछ पूछना चाहते हैं सर, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा आगे के में, तो ठीक है। अगर उसमें से और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं आपके, जैसे गेट इन्वर्ट रजिस्टर,
जो गेट इनवाइट रजिस्टर होता है इसमें से क्या होता है, ये आरएम स्टोर का रजिस्टर होता है, इस प्रकार से फिर टॉपिक दिए होते हैं, तो ये आपको समझ सकते हैं, इस प्रकार से एक बना सकते हैं अपनी कंपनी में और भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन टैग। टैग में क्या होता है, जैसे आइडेंटिफिकेशन टैग होता है, तो इनकमिंग मटेरियल टैग होता है, या एक ओके होल्ड रिजेक्ट इसका टैग होता है। तो ये आपको टैग दिख रहे हैं, ये टैग अपनी कंपनी के हिसाब से इसमें मटेरियल भर सकते हैं, क्या इनकमिंग दोगे, या पूरा मैंने बड़ा कर दिया, इसको आप पढ़ सकते हो आराम से, इजी बना भी सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टोर का है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है यहां से, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लिस्ट ऑफ सेल्फ लाइफ आइटम, यानी इसमें क्या होता है, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपायरी होती है। ठीक है, आप किसी भी केमिकल कंपनी में काम करते हैं या कोई कोई दवाइयाँ बनती है इस कंपनी में, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो केमिकल्स एक्सपायरी होती है, तो कौन सी दवाई उसका सीरियल नंबर क्या है, आप सीरियल नंबर डाल दो, उसका कोड डाल दो, दवाई का कोड क्या है, बैच नंबर किस बैच की दवाई है, इसकी आइटम डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, वो लिख सकते हो यहाँ पर, एक्सपायरी डेट कब है इसकी वो लिख सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा हमारी ये दवाई एक्सपायर हो रहा है, ये लॉट एक्सपायर हो रहा है, इसको अलग कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। तो लिस्ट ऑफ सेल्फ लाइफ आइटम, जो आपके सेल्फ लाइफ आइटम है वो आप शो कर सकते हो, यहाँ पर साइन हो सकते हैं आपके इस प्रकार से। ये हो सकता है मटेरियल इशू स्लिप, यानी जो भी मटेरियल इशू करते हो उसकी स्लिप हो सकती है, तो यहाँ मटेरियल का नेम डिस्क्रिप्शन आ सकता है, आपका मटेरियल केमिकल नेम क्या है, मटेरियल नेम क्या है, कोई भी आइटम हो सकता है, आपका बैरिंग है, पिन है, बोल्ट है, या कोई जो भी आइटम हो सकते हैं यहाँ पे आ सकते हैं। क्वांटिटी नग्स लीटर, जैसे ग्रीस है तो लीटर में आएगा, मीटर में आएगा, केजी में आएगा, इस प्रकार से जो भी आपके आइटम है इसमें आ सकते हैं। अब इसमें से आ सकता है आपका इशू क्वांटिटी, रिक्वेस्ट कितने दे दिया आपने और इशू कितना कर दिया, रिसीविंग के साइन इस प्रकार से भर सकते हो, डेट और इसके स्लिप नंबर क्या है, इस प्रकार से आप बना सकते हो, कंपनी का नाम, लोगो, कंपनी का नाम या डॉक्यूमेंट इशू दिखा सकते हो। उसके बाद आता है आपका ये मंथली इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। अब आपको इन्वेंट्री देखनी है कि हमारे जो भी पार्ट्स हैं कितने केजी में, नग्स में पड़े हुए हैं, जो भी पैकिंग मटेरियल है क्या है, वो इस प्रकार से आप रजिस्टर अपने मेंटेन कर सकते हो और इन्वेंट्री का भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला आता है जो भी आपकी पैकिंग लिस्ट होती है, जो भी आपके कंपनी में तो कोई पार्ट्स पैक करना है या कोई एक्टिविटी होती है उसमें कैसे पैक कर सकते हैं, उस प्रकार से आप दर्शा सकते हो, तो ये आपका पैकिंग लिस्ट हो सकती है। उसके बाद आता है आपका मटेरियल आउटवर्ड रजिस्टर, जो भी मटेरियल का आउटवर्ड रजिस्टर बनाते हैं, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, आप इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला है गेट पास अथॉरिटी ट्रेकिंग आउट मटेरियल्स, अगर कोई गेट पास बनाना है तो ये गेट पास बनाने का फॉर्मेट है, इस प्रकार से बना सकते हो और इसमें अपना लोगो चेंज करके दिखा सकते हो। अगला आता है आपका, यहाँ पर कंपनी नेम लिख सकते हो, डेली कंजप्शन रिपोर्ट, यानी आपके डेली कंजप्शन क्या होता है, जैसे कोई आइटम लिख लिया हमने, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, यूनिट मेजरमेंट्स किस में आएगा आपका, ठीक है, स्टॉक क्वांटिटी क्या है आपकी, और इशू कितने किए, किस डिपार्टमेंट को किए, बैच नंबर क्या था, लॉट नंबर क्या था, यहाँ पे आप इसके पास से स्लिप नंबर क्या था इसका, ठीक है, और बैलेंस इन स्टोर और बैलेंस कितना बचा हुआ है, इससे आपको क्या पता लगेगा, हमने अपनी स्टोर में कितना मटेरियल रिसीव हुआ, कितना स्टोर को मतलब बचा हुआ, कितना हमने इशू किया आज, तो कितना कंजप्शन हुआ, कितना हमारा काम हुआ, इसमें से पूरा इसमें डिटेल्स बता रहे हैं हमारी, ठीक है, इस प्रकार से ये बना सकते हैं। अगला होता है हमारा वही गेट पास है ये, और अगला ये दिखाया है आपको कोई इनवॉइस वगैरह बनती है, कोई मटेरियल गेट पास बनता है उसको, वो भी ये फॉर्मेट है, इस प्रकार से आप उसको भी बना सकते हो। अगला लॉग बुक बना सकते हो आपका, ठीक है, ये लॉग बुक है, इस प्रकार से आप ये बना सकते हो। स्टॉक ट्रांसफर वाइस चालान बना सकते हो इस प्रकार से, ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेट थे, ये फॉर्मेट इस प्रकार से आप बना सकते हो। इस प्रकार से मास्टर लिस्ट बना सकते हो, ये मास्टर लिस्ट है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर, रिसीविंग नंबर, इसकी एक्सपायरी या इसको रिटेंशन पीरियड क्या रहेगा इसका, वो लिख सकते हो यहाँ पर, ये किसका एम आर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर आप ये सब दिखा सकते हो, इस प्रकार से ये बना सकते हो। तो ये छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने आरएम स्टोर के डॉक्यूमेंट के लेके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट का लेता हूँ, उसी में मैं सारे ये फॉर्मेट्स आपको समझा दिए जाएंगे,
कैसे फॉर्मेट बनाने हैं, कैसे करने हैं। ओके साथियों, थैंक यू वेरी मच।